गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ पैरामाउंट पब्लिक स्कूल आई एम योर मैथ्स टीचर मिसिज रूबल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो थर्ड क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4H। ओके, एक्सरसाइज 4H। क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग टेबल्स। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग टेबल्स मीन्स वी हैव टू रीड आउट टेबल्स एंड गेट आर आंसर। फर्स्ट पार्ट इज 5 मल्टीप्लाई विथ 4। 5 मल्टीप्लाई विथ 4। सो बेटा स्टार्ट टू रीड आउट टेबल ऑफ 4। 4 वन्स आर 4, 4 टूज आर 8, 4 थ्रीज आर 12, 4 फोर्स आर 16, 4 फाइव्स आर 20। सो योर आंसर इज 20 है। सेकेंड पार्ट 9 मल्टीप्लाई विथ 3। स्टार्ट टू रीड आउट टेबल ऑफ 3। 3 वन्स आर 3, 3 टूज आर 6, 3 थ्रीज आर 9, 3 फोर्स आर 12, 3 फाइव्स आर 15, 3 सिक्स आर 18, 3 सेवन्स आर 21, 3 एट्स आर 24, 3 नाइन्स आर 27। सो राइट हियर 27। नेक्स्ट इज 6 मल्टीप्लाई विथ 5। इट मीन्स वी हैव टू रीड टेबल ऑफ 5 अप टू नंबर 6। सो स्टार्ट टू रीड 5 वन्स आर 5, 5 टूज आर 10, 5 थ्रीज आर 15, 5 फोर्स आर 20, 5 फाइव्स आर 25, 5 सिक्स आर 30। सो 30 इज योर आंसर। राइट दिस आंसर इन द फिलअप। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 8 मल्टीप्लाई विथ 10। स्टार्ट टू रीड आउट टेबल ऑफ 10। 10 वन्स आर 10, 10 टूज आर 20, 10 थ्रीज आर 30, 10 फोर्स आर 40, 10 फाइव्स आर 50, 10 सिक्स आर 60, 10 सेवन्स आर 70, 10 8s are 80. So 80 is your answer for this question. Next, second question. Fill in the blank. Blank means missing space is given to you. Okay? We have to fill that. 6 multiply with 5 means read out table of 5 up to number 6. Same as in first question. So 5 ones are 5. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30. Second is dash multiply with 7 is equal to 56. 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 56 है। सो स्टार्ट टू रीड आउट टेबल ऑफ 7. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56. On number 8, we get 56. So you write here 8. 8 7s are or 7 8s are 56. Next, third is dash into 8. Dash multiply by 8 is equal to 40. So start to read out table of 8. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40. At number 5 we get 40. So you write here 5. 5 8s are or 8 5s are. We get 40. Next is fourth part. 7 multiplied with dash is equal to 42. Start to read out table of 7. 7 6s are 42. So you write here 6. Clear beta? Other all questions of this exercise are similar. So solve them. Now we are going to continue our next exercise. Exercise 4I. Yes beta? Exercise 4I. Very easy exercise. Same procedure as previous. Fill in the blanks. First question, 4 multiply dash is equal to 4. 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मीन्स 4 का टेबल कहां तक रीड करें कि हमारे पास आंसर 4 आए। 4 वन्स आर 4, सो यू राइट हियर 1. 4 वन्स आर 4. 1 वन्स आर, यस बेटे 1 वन्स आर 1. नाउ इन थर्ड फिलअप, ऑन लेफ्ट साइड 2 नंबर आर गिवन, 3 मल्टीप्लाई 4, बट ऑन राइट साइड ओनली 1 नंबर इज देयर 4. सो 3 and 4, 2 numbers on left side. Out of these 2, 3 is missing on right side. So you write here 3. Clear? Next is 7 multiply dash is equal to 2 multiply 7. Now on right side 2 numbers are there, 2 and 7. On left side out of that 2 we have only 1 number, that is 7. So
2 is missing right to it over here. Next question is 5 multiply dash is equal to 0. 15 multiply dash is equal to 0. 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आए. 15 मल्टीप्लाई विद 0 वी गेट 0. किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा देन वी ऑलवेज गेट आंसर 0. अदर ऑल पार्ट्स आर सिमिलर. ट्राई टू डू देम. थैंक यू.